जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी सर्किट के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है और फ्लो करने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए होता है जिसके कारण उस सर्किट में करंट हमारा फ्लो होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो होता है तो सर्किट का कंडीशन सबसे पहले ये होना चाहिए कि सर्किट हमारा लूप में होना चाहिए। ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है और करंट को फ्लो कराने के लिए हमें वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होता है, हमें पोटेंशियल का रिक्वायरमेंट होता है जिसके कारण हमारा करंट फ्लो होता है। होता क्या है कि जैसे ही हम कोई चार्ज क्रिएट करते हैं, बेसिकली जो चार्ज का मूवमेंट होता है ना वही करंट होता है। अगर कोई चार्ज है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है तो समझिए कि उस सर्किट में करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। अब वो चार्ज की चाहे जो भी स्पीड हो उससे हमें मतलब नहीं है। जैसे ही वो चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है, उस सर्किट में मूव करना स्टार्ट करता है, उस सर्किट में करंट आना स्टार्ट हो जाता है। अगर चार्ज स्टैटिक स्टेट में हो, मतलब चार्ज अगर रुका हुआ हो, उस सर्किट में चार्ज रुका हुआ हो, तो उस सर्किट में कोई भी करंट आपको नहीं लगेगा, कोई भी झटका नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही वो चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा, सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर देगा, आप अगर छुएंगे टच करेंगे आपको तुरंत क्या नाम है करंट लगेगा। तो हम ये देखेंगे कि चार्ज को मूव कौन कराता है, चार्ज को मोशन में कौन लाता है। तो उसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा, तभी वो चार्ज सर्किट के अंदर मूव कर पाएगा। वो फोर्स कौन होता है? फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिसको हम वोल्टेज के रूप में भी जानते हैं। बेसिकली वोल्टेज क्या होता है? दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम वोल्टेज कहते हैं। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए के बीच में जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है और पॉइंट बी के बीच में जो वोल्टेज है, पॉइंट बी पे जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। तो 5 - 2 = 3। तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 वोल्ट है। अब ये जो 3 वोल्ट है ना, इसी के कारण चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट होता है। ये क्या करता है? चार्ज को फोर्स करता है, चार्ज को पुश करता है, ताकि चार्ज का जो स्टैटिक स्टेट है उसमें मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। चार्ज क्या नाम है, दौड़ना चालू कर देता है। इसकी वजह से उस सर्किट में करंट फ्लो हो जाता है। वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही तेज़ी से दौड़ेगा, चार्ज उतना तेज़ी से ही दौड़ेगा। वोल्टेज जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 वोल्ट है, चार्ज थोड़ा कम स्पीड से दौड़ेगा, करंट थोड़ा कम स्पीड से फ्लो होगा। जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाएंगे चार्ज की स्पीड बढ़ती चली जाएगी और करंट की भी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। बेसिकली होता क्या है, जो आपका एम्पियर होता है ना, 1 एम्पियर में 2.6 × 10⁻¹⁵ कूलाम होता है। मतलब इतने चार्ज होते हैं, आप सोच लीजिए 10⁻¹⁵, मतलब 10 के आगे 15 जीरो लगाइए, इतने ज़्यादा चार्ज होते हैं 1 एम्पियर में। तो जब भी किसी सर्किट के अंदर आप 1 एम्पियर का करंट बहाते हैं तो इट मीन्स उस सर्किट के अंदर 2.6 × 10⁻¹⁵ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो होता है। अब ये पर सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जैसे ही क्या नाम है उस सर्किट में आप पोटेंशियल लगाते हैं या वोल्टेज लगाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या जब करंट का फ्लो होता है ये बहुत तेज़ी से होने लगता है। 2 वोल्ट का अगर पोटेंशियल लगाएंगे थोड़ा धीरे जाएगा, 4 वोल्ट का लगाएंगे और ज़्यादा जाएगा, कहीं आपने 420 वोल्ट का लगा दिया तो इतना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कि कोई भी अगर उसको टच करेगा ना तुरंत झटका मारेगा, अरे ये क्या हो गया। क्यों झटका क्यों मारेगा? कि जैसे ही कोई आदमी या कोई भी लड़का या कोई भी जानवर उस तार को टच करता है तो क्या करता है, जैसे ही टच करेगा ना तो तार का जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके बॉडी में प्रवेश करना चालू हो जाएगा, उसके बॉडी में एंटर करना चालू हो जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी करंट है, उसके बॉडी में एंटर करना चालू हो जाएंगे और जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन उसकी बॉडी में एंटर करना चालू हो जाएगा। इसीलिए जब भी कहा जाता है कि 440 वोल्ट बहुत ही खतरा है, बहुत ही डेंजरस है, 440 वोल्ट का वायर कभी भी आप टच मत करिए, क्योंकि जैसे ही आप उस टच करते हैं उस वायर को, 440 वोल्ट के वायर को आप टच करते हैं, आपके अंदर इलेक्ट्रॉन इतनी तेज़ी से आपको आपके अंदर प्रवेश करेगा या एंटर करेगा, आप तुरंत झटका खा करके बाहर गिरेंगे और आपको चोट लग जाएगी, आपको डेंजरस हो सकता है। तो ये रहा करंट के बारे में, कैसे करंट फ्लो होता है, कैसे चार्ज फ्लो होता है, सर्किट के अंदर पोटेंशियल क्या क्या यूज होता है, जो हमारा वोल्टेज जिसको कहते हैं 420 वोल्ट या 220 वोल्ट,
उसका मीनिंग क्या होता है, बेसिकली पोटेंशियल ही कारण होता है जो चार्ज के मोशन को कराता है या इलेक्ट्रॉन को कराता है। तो ये सारा हमने देखा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे और प्रोटॉन के बारे में बताएंगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।